नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 45 एजुकेशन पर। तो बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में जो है 75% आरक्षण जो है लागू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अब बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार राज्य में अब जो है 75% जो है आरक्षण लागू हो चुका है। तो ये जो निर्णय है बिहार राज्य सरकार ने लिया है, और ये निर्णय जो है बिहार राज्य के कैंडिडेट के लिए काफ़ी हित में है। और लेकिन आप लोग अगर अदर स्टेट के हैं तो आप लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अब बिहार में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप लोगों को अब और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है 75% आरक्षण जो है बिहार में लागू हो चुका है। और ये जो आरक्षण है बिहार में सभी सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो है लागू हो चुका है। तो अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या BPSC TRE 2.0 में ये आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि BPSC ने जब फेज़ दो का नोटिफिकेशन निकाला था, आप लोग जैसा कि जानते होंगे बिहार में इस समय बिहार शिक्षक बहाली जो है दूसरी फेज़ की चल रही है, और ये जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कहीं भी 75% आरक्षण की बात नहीं कही गई थी। तो जब 75% आरक्षण की बात नहीं कही गई थी तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यह BPSC TRE 2.0 में ये जो आरक्षण है अभी लागू नहीं होगा। लेकिन इसके बाद से जो भी वैकेंसी आने वाली हैं शिक्षक भर्ती की या कोई अदर जॉब की, तो उसमें जो है 75% आरक्षण जो है लागू होगा, लेकिन BPSC TRE 2.0 में ये लागू नहीं होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी BPSC TRE 2.0 में जो है आरक्षण लागू नहीं है। और अब मैं बात कर लेता हूँ सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को जो है इस बार जो है मौका नहीं मिला है। BPSC TRE सेकेंड फेज़ की भर्ती में जो है सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिला है, जबकि पहले फेज़ की भर्ती में मौका मिला था। अब मौका क्यों नहीं मिला है इस पर BPSC चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है, मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि BPSC जो है BPSC TRE 2.0 का एग्ज़ाम जो लेने वाली है वो दिसंबर में लेने वाली है, और सीटेट जो है इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 21 जनवरी को होने वाला है। यानी BPSC का एग्ज़ाम जो है इसके पहले जो है होने वाला है, और रिजल्ट भी इसका पहले ही आएगा, तो इसलिए सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिला है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि BPSC जो है अब हर बार कैलेंडर जारी करने वाली है, यानी हर साल आप लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, तो इसलिए अब सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को जो है मौका नहीं मिलेगा। तो ये थी बिहार राज्य से लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा।